व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। हेरा फेरी मूवी के हम नेक्स्ट सीन पर रिएक्ट करने वाले पार्ट 4 पर। पिछले सीन में हमने क्या देखा था कि वो नौकरी मिल गई थी ना, उसने जाली दस्तखत करके खा गया, लेकिन उसको ऑफिस में जाके खा गया उसका वो वाला लेटर जो था, अपॉइंटमेंट लेटर। तो अब देखते हैं आगे स्टोरी क्या कंटिन्यू होती है। बताता है लोगों को देखने दिया करके पिछले सीन में क्या हुआ था, ये चीटिंग होती है। ओके, और से बड़ा लिंक डिस्क्रिप्शन में गोल्ड माइंस मूवी चैनल से। इसके बाद में कौन सी मूवी पर रिएक्ट करने जरूर बताना, ठेरी मूवी या मास्टर मूवी, आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी एमएस धोनी भी स्टार्ट करेंगे साथ में, तो कर दे वीडियो को लाइक, चैनल पे तो सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। आई टू अंडरस्टैंड, बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर ये नहीं hey। अच्छा तो ये आप दोनों की मिलीभगत है मिस्टर शाह? आप बताइए मिस्टर शाह, हम मैनेजर हैं मगर बाहर तो अच्छे दोस्त हैं। तो फिर रात में हाथ डालकर ड्यूट क्यों नहीं गाते आप दोनों? ड्यूट जबरदस्ती हंस रहे हैं ये ना। गुड जोक, कंधे पे बैठकर कान मत खाइए आप। आखिरी बार कह रहा हूँ, कंधे पे नौकरी से निकाल के नौकरी मुझे दे दीजिए, वरना आपकी नौकरी तो क्या, आपकी रिटायरमेंट की भी प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगा मैं। जा 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 जा, अब हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में। मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ। सोचो तुम एक औरत हो। सोचना क्या है, वो तो मैं हुई। वो जवान है, तुम चाहो तो उसको अपने वश में कर सकती हो। मेनका की तरह वो सब करना मुझे नहीं आता। मैं सिखाता हूँ, सोचो। मैं सिखाता हूँ। वाह, कुछ मित्र है जो नौकरी के लिए तप कर रहा है। मैं इंद्र की तरह देख रही है दीवार का बनाकर उसके पास भेज रहा हूँ, उसका तपो भंग करके एनओसी लेटर हासिल करने के। एनओसी मुझे प्यार व्यार का नाटक बिल्कुल नहीं होगा। अरे प्यार का ना सही तो दोस्ती का नाटक करो, कुछ भी करो, उसको समझाओ, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। प्लीज इसकी भी जा सकती है, खतरे में क्योंकि वो केस डाले तो गई। प्लीज मैं कह रहा हूँ, मानो मेरी बात। हाँ जी सुनते हो ये बढ़िया लगेगा। अबे वो अलग जोन में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इससे। हाँ ये आ गया सर, ये इसको टक्कर तो नहीं मारते। अच्छा गई उसके पीछे। होगी इनकी लव स्टोरी का उसे लग रहा है, ये सेटिंग करा रहा है। हो गया। अच्छा सेटिंग किया आपने। हाँ भाई हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। सुनो अपना भी जमा दो ना। क्या अबे क्या? इसको क्या समझ रहा है, दूसरा रैपचिक माने क्या? What nonsense, आप मुझे समझ क्या रहे हैं? दलाल मैं मैनेजर हूँ, दलाल नहीं, मैनेजर हूँ, समझे? ठीक है मालूम है, इंग्लिश लोगों को भी आजकल इज्जत से बुलाना पड़ता है। मस्त रैपचिक माल बताओ ना, फोटो वीडियो बताओ ना, क्या इसमें? Get off, shut up, बदतमीज आदमी। अरे सुनो दलाल नहीं मैनेजर समझ। अरे पैसे ले लो ना तुम, मैं कहता हूँ मेरे पीछे छोड़ो। अरे टक्कर ले लो ना यार। अरे जा यहाँ से। अरे तेरे को एडवांस मिलता है क्या? पीछे लग गया वो। अरे मस्त माल बताना। अबे जा यहाँ से, मैं कहता हूँ। अरे कल मिलता है क्या? साले को मारूंगा। ये माटिया। अबे यार ये तो सही था, वो भग्गे थे कितने। चाय से ज्यादा केटली गरम है। मेरा फीसा क्यों कर रही है तू? हाय क्या मर्दाना चाल है मेरी या तुम्हारी? ये तो टीस है। ये गुस्सा तुम्हारी नाक पर कितना हसीन लगता है। शर्म नहीं आती खुलेआम किसी मर्द को छेड़ते हुए? चिल्लाकर पुलिस वाले को बुला दूंगा। ठीक है ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ, इस नौकरी से इस्तीफा दे देती हूँ, उसके बदले तुम 50,000 रुपए दे दो। चलो क्या 50,000? चिल्लाओ मत, 50,000 बोलियो, 5,00,000 रुपए नहीं बोल रही हूँ, बहुत ही मामूली रकम है। इस नौकरी के लिए लोग 1,00,000 रुपए देने को तैयार है। क्या शेंडी लगा रही है मुझे? 50,000 अक्षय कुमार का एटीट्यूड अलग है, जैसे अंधा पैसा हो। हेलो हेलो सावित्री देवी, प्लीज कॉल फ्रॉम कलकत्ता। आवाज। हेलो बेटा। अरे माँ कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कब आ रहा है? वो माँ मैंने जैसे छुट्टी मिल जाएगी अगली फ्लाइट से बॉम्बे आ जाऊंगा। तुझे देखने को जी चाहता है बेटा? अरे वो तो मैं आ जाऊंगा माँ,
तू फिकर मत कर, और कोई खास अगली फ्लाइट से झूठ बोल रहा है। बेटे फोन मत करना, मेटरन जी तुमसे बात करना चाहती है। मेटरन चाची, वो मेटरन चाची को फोन मत देना, मैं बहुत जल्दी में। हेलो राजू बेटा। हाँ मेटरन चाची। जब कलकत्ता से आओगे हमारे आश्रम के लिए 25 कंबल ला सकते हो ना? क्या हुआ राजू? इसने कुछ वो बता रखा शायद कि बहुत अमीर बोला था ना फ्लाइट से आ जाऊंगा। हाँ कलकत्ता से आते समय कंबल लेकर आ सकते हो 25। कौन सी चीज? अरे कंबल। कौन सी चीज? मुझे दूर दूर कितने यहाँ से इतनी दूर रख के बोलता। कलकत्ता से बोलो, ये क्या बदतमीजी है? कब से वो कंबल कंबल चिल्ला रही है, तुमको सुना नहीं था क्या? कानपुर में हड़ताल है क्या? मुझे यहाँ तक सुनाई दिया। तेरे को सुनाई दिया ना? हाँ तो तू ही कंबल दे गधा। तू ही कंबल दे। अरे वाह, ओ भाई अब आएगा मजा। घनश्याम भाई साहब, घनश्याम ये तो तू जहाँ भी चाहिए मैं ढूंढ निकालूंगा तेरे को। चलो इधर। गुड़गांव वाले घनश्याम। आपने यार वो दूसरा छिछुंदर है यहाँ। घनश्याम मेरा दोस्त है, 35,000 रुपए उधार ले गया था मुझसे, कहने लगा 35,000 फिर लौटा दूंगा। अरे कहीं तुम उस श्याम की बात तो नहीं कर रहे हो? ओ भाई साहब उसका नाम घनश्याम है। अरे लेकिन वो यहाँ पर नौकरी नहीं करता यार। ओ मेरे को मालूम है, वो यही काम करता है। मालूम है। रोको यार। इसको समझिए, समझ गए। इमोशनल। ये कल शाम ने मेरे से 35,000 रुपए उधार लिए थे, कहता था लौटा दूंगा। अब इससे उधार में क्या बोला? आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मेरे पैसे दिलवा लो, नहीं तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। इमोशनल। मेरे को कल शाम ने कहा था मेरे को बैंक में नौकरी मिल गई, अब यहाँ भी नहीं है, अब कहाँ ढूंढूं मैं उसको? अरे शाम तो कहीं बोरीवली में रहता भाई। कहाँ? एड्रेस बता दिया। मुझे पता नहीं। बोरीवली। अच्छा भाई साहब, ये हाँ ठीक है, पूरा पला माफ करना जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे क्या मुसीबत में हूँ? एक्टिंग की बहुत मस्त लगती है। सारी ऑफिस में हंगामा कर दिया। इसके पास तो एड्रेस है ना दिया नहीं इसने, लेकिन आराम कर दिया। उसको तो घर तक का एड्रेस पता है। क्या इसका हृदय परिवर्तन होगा? भाई साहब ये कण से हम कहाँ रहता है मलूम है? घनश्याम, अरे पहला गली में दूसरा मकान है भैया। अच्छा वो घर पर होगा? अरे घर में कैसे होगा? अरे ओका मेरे 5 साल हो गया, 5 साल। अबे किसके एड्रेस दे रहे हैं? मारूंगा तो उसको मैं, मेरे पैसे मिलने के बाद। ओ भाई साहब आप श्याम को ढूंढ रहे हैं? श्याम वो चश्मे वाला, तू जानता है उसको? अगर मैं आपको बता दूं वो कहाँ रहता है तो आप मारोगे उसको? मारूंगा। पिटवाना चाहता है, पिटवाने पे हमेशा तैयार। तो मेरा नाम मत बताना नहीं तो भाग जाएगा। अरे कैसे भाग जाएगा? ओ शाम बाबूरा, ओ देख तेरे को कोई मिलने आया है। बाबूरा पुल्ले से भगले 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 गांव से पाके आ गया हो घनश्याम? ये इनका प्यार जताने का स्टाइल है। और सभी को गला दबा के गले मिलता है क्या? छोड़ रहे इसको, सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, एंटरटेनमेंट मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में तू कुश्ती। क्या हुआ? ओए जब इसके बाबूजी का देहांत हुआ था तो मैंने बड़ी मुश्किल से 35,000 रुपए इकट्ठे करके इस कंजर को दिए थे। खड़क बाबूराव कंफ्यूज्ड। खड़क बाबू, सबसे बड़ा चीज प्यार है। पैसा तो आज है, कल नहीं है, परसों है। आपकी तारीफ बाबूराव गणपतराव आपटे। बाबूराव भाई पैसा आज है, कल नहीं है, परसों है ना? ओए परसों अगर नहीं हुआ तो कुल नहीं होगा। तू दे सकता है मेरे को पैसे अभी?
ओ भाई खड़क खड़क सिंह भाई साहब पूरे भड़के हुए इस टाइम पर 35,000 के चक्कर में, और अभी वो कितने पीछे ले रहे थोड़ी कुश्ती कुश्ती हो दो लट बजने दो एंटरटेनमेंट के पूरे स्वाद प्रोग्राम। और कैसे जब खड़क सिंह से मिले क्या आप मारोगे उसको उस टाइम पे मस्त सीन था ये। और मैं स्टोरी भूल चुका क्या तब यहाँ पर थोड़े से इसके सपोर्ट में आ जाएगी यहाँ पर ना मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, लग तो रहा था देखने जिस तरह से वो थोड़े से उस तरीके से ऑफिस में जाके कुर्सी में मार दूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो एक वो वहाँ पर आप तो दलाल है ना नहीं मैनेजर इंग्लिश में मैनेजर बोलो आपसे मस्त सीन था। नेक्स्ट सीन पर जल्दी रिएक्ट करते हैं, आई एम श्योर आप लोग को भी काफी अच्छा लगा होगा। तो एटलीस्ट 3-4 मूवीज के आपसे सजेशन दे सकते हो, जैसे एग्जांपल एमएस धोनी ठेरी मूवी मास्टर मूवी। तो नेक्स्ट हम किस पर रिएक्ट करें बताएं जरूर। मिलते हैं साथ, बाय बाय, टेक केयर।